Hey guys, आप सभी को दिल से राम राम। भाई लास्ट वीडियोस के ऊपर इतना ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट जो है, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, याद से आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 9.2% लोग ही 100 में से सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं कर रहे, सिर्फ व्यू कर रहे हैं। भाई लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने किया था 162V का अपाचे RTR 162V का माइलेज टेस्ट स्पोर्ट्स मोड के अंदर टैंक टू टैंक। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट अर्बन मोड के अंदर, क्योंकि भाई YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनके अंदर अपाचे RTR 162V जो है वो 55 की माइलेज दे रही है, 55 की भाई, लेकिन हमें तो इसने 40 की दी है, इससे ज्यादा तो दी नहीं बल्कि कम ही दी है, 40 से थोड़ी बहुत। अब आज देखते हैं कि वो सारी वीडियोस जो हैं वो रियल हैं या फेक हैं। हम इसका माइलेज टेस्ट अर्बन मोड में करने वाले हैं और फिर आपको बताएंगे कि भाई कैसा रहा इसका जो है। टैंक फुल करवाएंगे, टैंक टू टैंक इसको लेके चलेंगे और उसके बाद ट्रिप रीसेट करेंगे, अर्बन मोड में लगाएंगे, 50 से 60 किलोमीटर जो है इस बाइक को चलाएंगे, फिर से टैंक फुल करवाएंगे और फिर आप सभी को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन निकाल के देंगे। लास्ट वीडियो अगर इसकी स्पोर्ट्स मोड की जो माइलेज टेस्ट है वो अगर किसी ने नहीं देखी है माइलेज टेस्ट, तो आप प्लीज चैनल पे जाके जरूर देखें। लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी उसमें आप सभी बढ़िए, रिलेट जरूर कर पाएंगे आप। फटाफट से पेट्रोल पंप पे चलते हैं, टैंक फुल करवाते हैं और फिर आप सभी को दिखाते हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। जल्दी चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो बाइक है उसके अंदर ऑलरेडी 4 बार है और स्पोर्ट्स मोड के अंदर है। ट्रिप जो है वो हम इसकी रीसेट करेंगे जब फ्यूल डल जाएगा। 956 इसके ट्रिप पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और दूसरे पे 325। इन दोनों को रीसेट करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे इस बाइक को अर्बन मोड में लगा के टैंक फुल करवाने के बाद। फटाफट से टैंक फुल करवा लेते हैं और फिर चलते हैं। भाई टैंक फुल करना है, ठीक है, ऑटो कट पे रोक देना। एक मिनट भाई, एक मिनट। ऑटोकट पे रोक देना, 0। तो भाई ऑटोकट लग चुका है 564 पे, ऑलमोस्ट 6 लीटर इस बाइक के अंदर आया है। भाई टैंक को करते हैं बंद, भाई की करते हैं पेमेंट, बाइक को ये आप देख लीजिए, सारे के सारे जो बार हैं वो अभी यहाँ पे फुल हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तब तक हम ट्रिप को रीसेट कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 325 उसको कर लिया हमने 0, और इसके बाद ये जो ट्रिप है 956 इसको भी कर लिया हमने 0। भाई दोनों ट्रिप 0 हो चुकी हैं, अर्बन मोड में हमने बाइक को लगा दिया है, सारे के सारे बार साल चुके हैं, टैंक फुल हो चुका है। अब फटाफट से भाई की पेमेंट करके और फिर निकलते हैं जल्दी से। चलिए भाई जो स्पीड है वो हम नॉर्मल ही रखने वाले हैं, ज़्यादा भगाने नहीं वाले हैं हम। जो स्पीड है वो 60-70 ही रहेगी, इससे ज़्यादा की नहीं रहेगी, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या माइलेज निकल के आती है। क्योंकि भाई हर कोई ये नहीं है ना कि भगाता ही रहता है बाइक को, भाई हर कोई अपनी बाइक को प्यार से भी चलाना जानते हैं, और नॉर्मल सी बात है जिनको भी माइलेज चाहिए उनको तो देखो प्यार से चलानी ही पड़ेगी, क्योंकि बाइक तेज भगा के और माइलेज नहीं मिल सकती है आपको जो कि आप चाहते हैं। चलिए अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं क्या कुछ माइलेज निकाल के देती है भाई। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूं भाई हम ऑलमोस्ट 31 किलोमीटर चल चुके हैं, 30.9 जैसा कि आप देख सकते हैं। स्पीड हमारी बिल्कुल मेंटेन है, बिल्कुल भी हमने चेंज नहीं की है, 50-70 की स्पीड हम मेंटेन करके चल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं भगा रहे हैं, क्योंकि अर्बन मोड के अंदर इस बाइक में वैसे भी वाइब्रेशंस आने लग जाती हैं इससे ऊपर अगर हम स्पीड लेके जाते हैं। पहले मुझे जेन्युइनली लगता था कि ये जो मोड्स हैं ये किसी काम के नहीं है इस बाइक के अंदर, बेवजह दे रखे हैं, जस्ट दिखाने के लिए दे रखे हैं कि एक फ़ीचर अपडेट किया है हमने। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया, जब मैं क्योंकि मैंने एक बार सोचा था कि मैं इसको अर्बन मोड के अंदर भगा के देखता हूँ, तो फिर मैंने अर्बन मोड के अंदर जब इसको भगाया तो ये बिल्कुल ऐसे पावर कट कर देती है, 90 पे जाके 100 पे जाके 110 भी नहीं पहुंच पाती है, 100 तक जाती है और पावर कट कर देती है, उसके बाद आप इसको इससे ज़्यादा भगा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद जब मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल के भगाया तब इसने अच्छा परफॉर्म किया था। तो भाई मोड्स एक्चुअल में काम करते हैं इस बाइक के, जिसको भी ये लगता है मेरी तरह कि भाई मोड्स किसी काम के नहीं है बस दिखाने के लिए हैं।
ऑलमोस्ट हम 32 किलोमीटर चल चुके हैं, और जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे 50, 60 या 70 किलोमीटर, उसके बाद फिर से हम नियर बाई पेट्रोल पंप देखेंगे, वहां पे पेट्रोल डलवाएंगे, और फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हम कितना ज्यादा मतलब कितने अच्छे से हम माइलेज निकाल पाए हैं। भाई मुझे लगता नहीं है कि ये बाइक, क्योंकि इसने मुझे यार 40 की माइलेज दिया स्पोर्ट्स मोड में, तो मैं इससे 42 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या 43, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस बाइक से। बाकी रिजल्ट्स देखते हैं, जो भी होगा जेन्युइन होगा, आपके सामने होगा। तब तक आप चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो गाइस हम ऑलमोस्ट 58 किलोमीटर्स आ चुके हैं, और भाई अपना पेट्रोल पंप भी आ चुका है। अब फटाफट से मैं आपको पेट्रोल डलवाता हूँ, टैंक फिर से फुल करवाता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ कि भाई एक्चुअल में इस बाइक ने अर्बन मोड में माइलेज दी कितनी है। ठीक है, फटाफट से मैं जाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। टैंक फुल कर दो दादा, और ऑटो कट पर रोक देना। ठीक है, भाई पेट्रोल डल रहा है ऑटो कट पे, भाई अपने आप रोक देंगे, रोक क्या दूंगे, अपने आप ही रुक जाएगी मशीन। लग गया भाई ऑटो कट, ऑटो कट लगा है 1.67। मैं आप सभी को एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए 1.67 के ऊपर ऑटो कट लगा है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि भाई एक्चुअल में बाइक ने माइलेज दी कितनी है। तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, बाइक 58.2 किलोमीटर्स चली है, और जो पेट्रोल डला है वो डला है 1.67, है ना। तो भाई मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको, 58.2 डिवाइडेड बाई 1.67, भाई ये देख लीजिए आप, माइलेज देख लीजिए भाई। जिसको भी वो रहता है कि भाई नई माइलेज तो ज़्यादा की देती है, ये देती है वो देती है, भाई साहब दे लो 34। अगर भाई नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार यहाँ पे देख लीजिए, 34 मैं फिर से करके दिखाता हूँ, अगर भाई नहीं भरोसा होता है तो 58.2 डिवाइडेड बाई 1.67 और भाई इज इक्वल टू भाई 35 मान सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मान सकते। 35 की यहाँ पे माइलेज देने लग रही है हमारी अपाचे RTR 162V अर्बन के अंदर। दिक्कत यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, धन्यवाद दादा। भाई कौन कहता है कि भाई अर्बन मोड के अंदर बाइक ज़्यादा माइलेज देती है, 58.2 अभी भी आप देख सकते हैं, 1.67 के ऊपर ऑटो कट लगा है, और उसके बाद जब हमने डिवाइड किया, आप सब भी कर सकते हैं अपने अपने कैलकुलेटर में, आप लोगों को पता चल जाएगा 35 की माइलेज जो है ये बाइक देने लग रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो YouTube के ऊपर ये दिखाते हैं कि भाई बाइक तो 55 की दे रही है, 50 की दे रही है, भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि ये बाइक कैसे दे रही है। इसने मुझे स्पोर्ट्स मोड के अंदर और 40 की माइलेज दी थी, इससे ज़्यादा माइलेज इसने मुझे स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी नहीं दी, अर्बन मोड के अंदर 35 की देने लग रही है। जो बोलते हैं कि भाई अर्बन मोड में तो ज़्यादा देती है, लेकिन यहाँ पे अर्बन मोड में इस बाइक ने मुझे कम माइलेज दी है। रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ भाई, एक मिथ होता है कि अगर इंजन के ऊपर वहाँ पे कट लगा हुआ है, ठीक है, फिर भी आप उसको 70 क्रॉस करवा रहे हैं, 70 चला रहे हैं आप मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मैं 50, 60, 70 रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, तो 70 के ऊपर भी जाते हैं, 65 के ऊपर जाते के साथ ये ऐसे करने लग जाती है जैसे फटने वाली है। क्यों? क्योंकि इंजन के ऊपर कट लग जाता है कि इससे ज़्यादा पावर ये बाइक नहीं देगी मोड की वजह से, लेकिन यहाँ पे फिर भी अपन ने इसको 70 चलाया। तो रीज़न बस एक यही है कि इस बाइक ने अपने को 35 की माइलेज निकाल के दी है, तो इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है भाई। अब बाइक अगर नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे कट लगा हुआ है, हम फिर भी उसको खींच रहे हैं, तो बाइक तो नॉर्मल सी बात है माइलेज कम ही देगी, लेकिन ऑल ओवर वो भी अगर बात करें कि हम अगर इसको 65 चलाते हैं, 60 चलाते, 50 चलाते, तो ये बाइक मैक्सिमम जो है 40, और भी अगर हद माने तो 42, इससे ज़्यादा ये बाइक माइलेज नहीं देती है दोस्त। आप लोग भ्रम में रहना छोड़ दें, जो जो YouTube के ऊपर वीडियोस देख के कि भाई ये तो 55 की माइलेज दे रही है और अपाचे लेने लग रहे हैं,
तो भाई एक बार मेरे कहने से आप खुद एक बार टेस्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही आप बाइक लें। क्यों? क्योंकि आपके 1.5 लाख रुपए जो है वो खर्च होंगे और उसके बाद आप माथे में हाथ मारोगे, यार ये क्या हो गया। ठीक है, मेरा काम आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी और मैंने आप सभी को ये भी बता दिया कि यूट्यूब पर जो और वीडियोज़ हैं वो फेक है या नहीं है मुझे नहीं पता दोस्त, लेकिन जो मैंने फील किया है, जो मैंने आप सभी को दिखाया एकदम जेन्युइन है, कुछ भी उसके अंदर कट नहीं था, कुछ भी नहीं था, और जो आपको दिखाया एकदम सच था। तो आप सब अब खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। आप सब लोग जनता जनार्दन है, आप सब समझदार हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, इसी के साथ आप सभी से लेता हूं मैं अलविदा। अच्छे से और कोई वीडियोस देखने हो तो आप चैनल पे विजिट ज़रूर कर सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है वहाँ पे। इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुँचा सकूँ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द PDNY फैक्टर। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।